हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध ट्रांसफार्मर सहित दो स्थानों पर पकड़ी चोरी, 1.88 लाख रुपए का जुर्माना लगाया बाड़मेर। बाड़मेर डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अवैध ट्रांसफार्मर सहित दो स्थानों पर विद्युत चोरी पकड़कर करीब 1.88 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जानकारी देते हुए जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि गुरुवार को अधिशासी अभियंता बहराराम चौधरी मय सेड़वा डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता हिमांशु वर्मा ने पुनमाराम पुत्र वीराराम निवासी कांकरला के यहां कार्यवाही कर अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किया है। गैर उपभोक्ता पुनमाराम द्वारा अपनी दाणी के नजदीक लगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पास पोल से जुड़ी 11 केवी विद्युत लाइन में अंकुड़ियां लगाकर उसके नीचे अवैध मॉडिफाइड ट्रांसफार्मर जोड़कर बिजली चोर को कृषि कार्य करता हुआ पाया गया। इस पर अवैध मॉडिफाइड ट्रांसफार्मर जब्त कर उसके खिलाफ 1.51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में कांकरला गांव में ही टीम द्वारा कुसुम्बी पत्नी वीरमाराम जाट के परिसर में स्थित सिंगल फेज के घरेलू कनेक्शन में मीटर को हटाकर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बुनशिंग से बिना मीटर डायरेक्ट विद्युत आपूर्ति लेकर विद्युत चोरी करते हुए पाए जाने पर केबल जब्त कर उसके खिलाफ 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।